मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, कल गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज उसमें क्या थे मैं दोबारा रिव्यू करूंगा, गौर से सुनिएगा कि अगर अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो सेम हो और फंक्शंस का इंटीग्रल लिया जा रहा हो तो उसकी जो वैल्यू थी वो जीरो थी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसी चौथी क्या थी कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं वो हेल्प करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द फंक्शन या अंडर द कर्व। कर्व मीन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लास्ट वन प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, कोशिश करिए कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर हेल्पफुल टू फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, किस रीजन का, अबव और बिलो द एक्स एक्सिस एंड अंडर द फंक्शन या अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। तो प्यारे बच्चों, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करते हुए कुछ फंक्शंस हमारे पास गिवन है तो फिर आए देखते हैं कि किस तरह से फंक्शंस का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले आपने ज्योमेट्री में एरियाज फाइंड आउट किए, सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग हीरो फार्मूला और फलां फलां पैथागोरस, जिस तरह भी वो यूज करते थे तो वो काफी टफेस्ट मेथड होते थे। तो क्या कोई आसान मेथड भी है कि हम किसी कर्व के नीचे जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकें? तो वो प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल ही ऐसी चीज है जो हमें एरिया फाइंड आउट करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो आज एक्सरसाइज है बेटा 3.7, चैप्टर है जी थर्ड, इंटीग्रेशन है और आज इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में कि ये क्या है, हमारे पास ये यूज की जाती है किस मकसद के लिए। तो वह जी एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो आपके पास रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। किस तरह से, लेट देयर बी अ फंक्शंस डिफाइंड बाय द इक्वेशन, आपके पास एक फंक्शन है जी दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो एरिया ऑफ द रीजन अबव एक्स एक्सिस, अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बने अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस एक्स एक्सिस में ये जो कर्व है आपके पास, इस कर्व से रिलेटेड जो पोर्शन है, जो रीजन है, इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक। सो एरिया इज इक्वल टू ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x विद लिमिट्स a टू b वेयर a इज लेस देन b या b इज ग्रेटर देन a, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल x लिमिट्स a टू b। अगर लिमिट्स आपके पास a से b मालूम हो तो फिर आप उस फंक्शंस का इंटीग्रल लेते हुए वैल्यूज पुट करके, मतलब बाय डेफिनेट इंटीग्रल मेथड यूज करके आप उस फंक्शंस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका एक्सेस से अबव हो। तो अगर आपके पास ये आर्क जो है एक्स एक्सेस से अबव होगी तो एरिया और जो इंटीग्रल आप लेंगे तो वो आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। सो आर्क है आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है, सो दिस इज आर्क, इस आर्क के नीचे जो भी पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फंक्शन है y is equal to f of x, इसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस भी तो हो सकता है। तो अगर आपके पास दूसरी कैटेगरी में कि अगर y is equal to f of x का ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस हो तो फिर उसका जो एरिया है वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा? सो एरिया इज इक्वल टू माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x, लिमिट है जी a टू b की तरफ, y आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, सो नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x विद लिमिट a टू b की तरफ वेयर b इज ग्रेटर देन a। और अगर आपके पास ये सपोज मैं ग्राफ यहां पे बना रहा हूं और आर्क आपकी बनती है जी बिलो द एक्स एक्सिस, और इस बिलो द एक्स एक्सिस में जो एरिया आपके पास रीजन है
इसका एरिया फाइंड आउट किया जाएगा बाय अप्लाइंग नेगेटिव विद इंटीग्रल्स, और लिमिट्स आपके पास मौजूद हैं, और वो लिमिट्स क्या हैं जी, ए से बी की तरफ। बात क्लियर होगी? सो वेरी सिंपल है जी, डेफिनेट इंटीग्रल जो है जहां लिमिट्स हमारे पास मालूम है, मौजूद है ए से बी की तरफ, वन से टू की तरफ वगैरह वगैरह, तो हम लोग अगर आपके पास आर्क आपकी बनती है अबव द एक्स एक्सिस, तो एरिया का जो फॉर्मूला है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव लेते हैं लेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके पास जो आर्क है फंक्शन की वो बिलो द एक्स एक्सिस आता है, तो फिर उसके लिए जो फॉर्मूला है एरिया का वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जनाब दो डेफिनेशन थी, एरिया अबव द एक्स एक्सिस, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस होगा तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला वो पॉजिटिव, और अगर बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ बनता है जिसका हमने एरिया निकालना है, तो फिर उसके साथ क्या कर देंगे, नेगेटिव अप्लाई कर देंगे। सो प्यारे बच्चों, इन्हीं दो आर्टिकल्स को यूज करते हुए आपकी एक्सरसाइज तो वैसे खत्म हो गई है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर वन क्या है जी, स्टेटमेंट फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट्स आपके पास मौजूद हैं जी 1 से लेकर 2 तक, कर्व आपके पास है इक्वेशंस की फॉर्म में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हम देखते हैं कि क्या ये जो कर्व है इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस आता है या बिलो द एक्स एक्सिस आता है। तो जनाब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने टेबल यहां पे तशकील दी। सो टेबल में x की वैल्यूज हैं जी 1 से लेकर 2 तक, सो 1.5 और 2 हमने लिया x की वैल्यूज, और उनके नतीजे में y फाइंड आउट हुआ। जब x पुट किया तो y आपके पास हुआ 2, जब x 1.5 पुट किया तो y की वैल्यू 3.25, और जब आपने x को 2 वैल्यू दी तो y की वैल्यू आ गई 5। तो जनाब x भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, उसके नतीजे में y भी पॉजिटिव हैं। सो फ्रॉम टेबल हमने ग्राफ जब ड्रा किया, सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस पर आपने वैल्यू दी दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, 1 पर है आपके पास 2, और 2 पर है मैक्सिमम आपके पास वैल्यू 5। आपका जो ग्राफ है वो अबव द x एक्सिस शो कर रहे हैं यहां पर। तो जब ग्राफ आपका अबव द x एक्सिस है तो इस आर्क के नीचे का जो पोर्शन है, जो रीजन है, तो इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सो जनाब दो फार्मूलाज हमने पढ़े कि अगर आपके पास कर्व जो है वो अबव द एक्स एक्सिस हो तो क्या रूटीन यूज करेंगे, और अगर ये बिलो द एक्स एक्सिस आपका ग्राफ बनता है तो कौन सी फॉर्म यूज की जा सकती है। सो जनाब ग्राफ आपके पास अबव द एक्स एक्सिस है तो आपका जो फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पॉजिटिव लेते हुए फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे लिमिट यूज करते हुए ए से बी। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने एरिया लिया, नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y डिफरेंशियल x विद लिमिट्स a 1 टू 2। सो इंटीग्रल ऑफ 1 फ्रॉम 2, फंक्शन है जी x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल x। सो जनाब आपके पास फंक्शन सम के साथ कनेक्टेड है, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब ओवर 3 प्लस 1 का इंटीग्रल दिस इज x, लिमिट्स जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाएंगी, 2 इज कॉल्ड द अपर लिमिट, 1 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। अब डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट की, सो x को रिप्लेस किया 2 के साथ, 2 रेज टू 3 ओवर 3 प्लस x रिप्लेस हुआ 2 के साथ, माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो लोअर है आपके पास 1, तो 1 क्यूब ओवर 3 प्लस 1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 2 4 2 8 8 ओवर 3 प्लस 2, तो यहां मैंने डायरेक्ट किया 3 2 6 प्लस 8 माइनस 3 1 3 प्लस 1, तो 4 ओवर 3, 8 प्लस 6 इज 14 ओवर 3 माइनस दिस इज 4 ओवर 3। सो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 14 माइनस 4 दिस इज 10 ओवर 3 स्क्वेयर यूनिट्स आ गए जी आपके पास। सो प्यारे बच्चों यहां आपने क्या नतीजे निकाला कि जो कर्व है आपके पास, जो इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एरिया किस तरह से हमने फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल टेक्निक्स को। सो इसका ग्राफ जो है वो अबव द एक्स एक्सिस बना, तो अबव द एक्स एक्सिस के लिए हमने इंटीग्रल लिया पॉजिटिव के साथ, लिमिट्स आपके पास थी 1 से लेकर 2 तक की,
उसको यूज करते हुए हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया। सो जनाब ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिमिट्स आपके पास गिवन है 1 to 2, 2 to 3, 2 to -2 वगैरह वगैरह। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि जहां लिमिट्स हमें मालूम नहीं होती लेकिन फंक्शंस गिवन होते हैं या इक्वेशन गिवन होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व गिवन इज y इज इक्वल टू 4x - x2। अब जनाब आपके पास फंक्शन तो गिवन है बट लिमिट मौजूद नहीं है। सो लिमिट नहीं है, कहां से कहां तक है जी? तो जनाब उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं जी। टेकिंग x कॉमन, दिस इज 4 - x, फैक्टराइज कर दिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन x एक्सिस पे चूंकि ग्राफ हमने शो करना है, सो फॉर x इंटरसेप्ट के x एक्सिस को कहां ये टच करेगा, सो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि x चाहिए x इज इक्वल टू 1 to x = 2, तो हमें क्या करना पड़ा, टेकिंग y इज इक्वल टू 0। तो जब y आपने 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 4। ये फैक्टर्स आपके पास हैं, क्या मतलब है, आइदर x इज इक्वल टू 0 और या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो इंटरवल आपके पास क्या बना, 0 से 4 की तरफ। अब वैल्यूज हैं आपके पास 0 से 4 इंटरवल है। इस इंटरवल पर जो हमारे पास कर्व गिवन है उसका ग्राफ क्या ये अबव द x एक्सिस आता है या बिलो द x एक्सिस आता है। सो डियर स्टूडेंट्स टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जी, टेकिंग x वैल्यू 0 1 2 3 4 तक, और उसके नतीजे में आपके पास y फाइंड हुआ कि 0 पर 0, 1 पर 3, 2 पर 4, 3 पर 3, तो 4 पर 0। सो 0 0 से लेकर 4 0 तक आपके पास है, x भी आपके पास पॉजिटिव है, y भी आपके पास पॉजिटिव है। सो जब इसका ग्राफ ड्रा किया, सो x एक्सिस पर दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 0 0 पर 0, 1 पर है जी वैल्यू 3 और 2 पर है जी आपके पास मैक्सिमम 4, 3 पर आपके पास अगेन 3 और 4 पर आपके पास 4। तो ये जो आर्क बनी है आपके पास, दिस इज अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर है, और जो एरिया है अंडर द कर्व ये पोर्शन सारा, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो क्या टेक्निक यूज करेंगे, जब आपके पास आर्क या ग्राफ जो है आपके पास अबव द एक्स एक्सिस हो, सो उसका इंटीग्रल लेंगे विद पॉजिटिव। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम 0 to 4, उसकी लिमिट्स हैं जी 0 से लेकर 4 तक हमने फाइंड आउट की। सो y आपके पास है जी 4x - x² डिफरेंशियल x 0 टू 4 इंटीग्रल। अगेन फंक्शंस यहां पे आपके पास सम रूल या डिफरेंस रूल यहां पे यूज किया जा रहा है जी। सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रेट करते हैं जी 4x का इंटीग्रल 4x² / 2 माइनस x² का इंटीग्रल x³/3। लिमिट्स आपके पास आ गई 0 टू 4। सो प्यारे बच्चों दिस इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, दिस इज 2x² माइनस x³/3 और लिमिट से आपके पास 0 से लेकर 4 तक। मरहला आ गया जनाब आपके पास पुटिंग द लिमिट्स, तो पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे, तो 4 पुट किया, दिस इज 2, x को रिप्लेस किया 4 के साथ, तो 4² माइनस x को रिप्लेस किया 4³/3 माइनस लोअर लिमिट पुट की 2 × 0² माइनस 0/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 16 2 32 माइनस 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 64/3 माइनस 0 2 0 0/3 तो 0, 32 3 96 माइनस 64/3 इज इक्वल टू 32/3 स्केयर यूनिट्स। सो जनाब जहां ऐसा केस आ जाए लिमिट्स मालूम ना हो, लिमिट्स दी हुई ना हो, डेफिनेट इंटीग्रल की रूप से एरिया फाइंड आउट करना हो, तो आपने हमेशा एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए वाई आपने 0 रखने। जब वाई 0 रखेंगे तो आपके पास इंटरवल एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा, उसका ग्राफ ड्रा करें, देखें कि क्या आपके जो आर्क का ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस आता है या बिलो द एक्स एक्सिस आता है। तो अगर अबव द एक्सिस तो इंटीग्रल आपने इसी तरह पॉजिटिव लेना है, और अगर अगर आपका ग्राफ जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस आता है तो फिर
तो फिर आपने क्या करना है जनाब, आपने इंटीग्रेशन के साथ नेगेटिव लगा लेना है। एक और केस भी आ सकते हैं कि जहां ग्राफ जो है वो अबव द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, बिलो द एक्स एक्सिस भी आए। सपोज इसमें मैं थोड़ा सा शो कर दूं, ये अबव एक्स एक्सिस है और ये सपोज यू बिलो एक्स एक्सिस आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम फंक्शन का टू टाइम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी एरिया ऑफ दिस पोर्शन प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन का एरिया तो पॉजिटिव है, इस पोर्शन का एरिया नेगेटिव इंटीग्रल के साथ लेते हुए वो जो प्लस माइनस जो होगा वो आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये तीन तरह के केसेस आपकी एक्सरसाइज में हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चंस आपके पास बहुत ईजी हैं, सिंपल हैं, आपके पास नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो थोड़ी सी हेल्प लेते हुए इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं और कीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। टिल तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग 3.8 एक्सरसाइज करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह।